सबको। हाय, दीपक भाई लॉयर है और फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जीएसटी वीएसटी फाइल करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो किसी की फॉर्म को या किसी इंडिविजुअल को, तो दीपक भाई से कॉन्टैक्ट करें। तो दीपक भाई किधर लेके आए हो आप यहाँ पे अंबर कोर्ट में? शीरमाल एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी आइडिया नहीं है, पहली बार मैं भी कहूँगा। सब लोग मास्क उतारो, खाओ 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 खाओ। नहीं अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आ ही जाऊँगा। कितना टाइम हो गया अभी आपको? हमें यहाँ पर 18 साल हो गए। 18 साल हो गया। और फर्स्ट जॉब हमारी अलीगढ़ में सबसे पहले यही है जहाँ पर हम शीरमाल खिला रहे हैं अभी तक, और इंशाल्लाह खिलाते भी आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा टेस्ट बहुत डिफरेंट है। मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम शीरमाल आज खाया, और इस शीरमाल ने इतना बेंचमार्क हाई सेट कर दिया है कि मुझे लगता नहीं कि अब इसके आगे मुझे और कोई पसंद आने भी वाला है कभी। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट वो है, मतलब अलग अलग तरीके के। मेरे पास 35 वाला है, 70 और 120, इवन हमारे जो फेमस है वो 180 वाला है। ओके, उसमें मतलब क्या? ये वाला तो मैंने खाया, ये तो मैंने देखा। उसमें एक्चुअली ड्राई फ्रूट जो है सारे मिक्स हो जाएंगे और अलग अलग फ्लेवर रहेगा, फोर फ्लेवर में डाइवर्ट होगा। ओके, जैसे एलमंड और तुम्हारे मतलब पीनट्स वगैरह भी ऐड करते हैं उसमें। ओके, मतलब ड्राई फ्रूट्स का वैरायटी उसमें ऐड होता है। हाँ, अलग अलग फ्लेवर होता है, फोर फ्लेवर में डाइवर्ट होता है। आप कभी आओ तो मैं आपको दिखलाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आप शीरमाल या कुछ भी, मतलब बहुत सही मेरे को ये शॉप लगी। और शीरमाल तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज था, बहुत ज़्यादा था। ये बेक्ड है, छोटा कैमरा है, छोटा कैमरा है। धन्यवाद। ऑल दिस इज फॉर 35 रुपीज ईच, 35 रुपए का एक। भाई बहुत सस्ता, हद से ज्यादा सस्ता। नेक्स्ट इधर चलेंगे। तो दिस वॉज द शॉप जहां हम लोगों ने शीरमाल खाया, बहुत ही गजब का शीरमाल था भाई साहब, थैंक यू। अब जा रहे हैं किधर को, देखते हैं एक बिरयानी वाली शॉप के बारे में बताया गया है, लेट्स सी क्या होता है। शायद इसके पहले की जो भी बाइक पे रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी सी खराब हो गई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो तो बहुत तगड़ा आया होगा। क्या भाई साहब गजब का बना हुआ है, ये जामा मस्जिद है। शिबू कचौड़ी वाले, देसी घी कचौड़ी, देसी घी की कचौड़ी आ रही है, आ रही है। इस सब्जी में देसी घी ऐड किया है। जो सब्जी का फ्लेवर है ना, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनी होती है उसका स्वाद आता है ना, लोहे की कढ़ाई में बनी होती है एकदम वैसा सा फ्लेवर नहीं आ रहा है। A few moments later. शिबो जी कचौड़ी भंडार, देसी घी की कचौड़ियाँ थी, घी तैर रहा था, दीपक भाई ने उसके ऊपर से और घी ऐड करवाया सब्जी में। नहीं लेकिन यार सही था, मतलब एक कचौड़ी खा लो तो इतना हैवी। तो आज हम लोगों ने चीप ब्रेकफास्ट किया, तीन लोगों ने गेस करो कितने में किया होगा? 150 को, तीनों का मिला के एग्जैक्ट 150 से भी कम, अभी 140 135 और 50 रुपए 140 150 रुपए से भी कम ब्रेकफास्ट किया तीन लोगों ने, और इस समय पेट गया है बहुत ज्यादा भर, हाथों में गर्माहट सी आ गई, इतना सारा घी खा लिया। तो अब दीपक भाई निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद प्लान ये है कि हम लोग दीपक भाई की नई बाइक राइड करने जाएंगे। ओके, कौन सी बाइक है वो तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। दीपक
ओके लेटर वो एंड वी आर बैक ऑन द हाईवे। अब हम लोग राइड लेने वाले हैं दीपक भाई की नई बाइक की जो कि है डोमिनार 400। ये बजाज की गाड़ी है। बहुत से मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा कि बजाज की एक ऐसी भी गाड़ी निकली है। इट्स अ सुपर बाइक, काइंड ऑफ अ सुपर बाइक। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि दे आर नॉट अ बाइक एंथुजियास्ट, इसलिए उन्हें नहीं पता होगा। मैं आज सबको ये बताना चाहूँगा कि क्यों बजाज की डोमिनार मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। जब मैं प्लान कर रहा था कि एक अच्छी बाइक लूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दीपक भाई चलें शुरू करें, लेट्स गो। ओके, पहले तो मैं बता दूं बाइक का जो कंसोल है बहुत ही प्यारा है। इट्स अ फुली डिजिटल कंसोल। काफी सारी इंडिकेटर्स, लाइट्स हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की। स्पेशली तो मिरर्स, काफी यूजफुल मिरर्स हैं। अनलाइक रॉयल एनफील्ड के जो नॉर्मल गोल वाले आते हैं, वो तो आई डोंट थिंक ज्यादा किसी काम के होते होंगे। दीज मिरर्स आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। और बाकी परफॉर्मेंस क्या है चला के देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग दिल्ली हाईवे पे हैं, तो लेट्स रोल। तो बाइक इज रियली रियली स्मूथ। यू आर ऑलमोस्ट रीच्ड 60 एंड बाइक इज क्रूजिंग लाइक एफर्टलेसली। द बाइक इज क्रूजिंग एफर्टलेसली। क्या करें, इसको और आगे लेके जाएं क्या, खींचे क्या, अभी देखते हैं खींचते हैं कि नहीं। लाइक बहुत ही एफर्टलेसली ये 70 तक पहुंच गई है अब। कूल, रास्ता भी प्यारा है। एज ऑलवेज दिल्ली हाईवे इज गुड। कंफर्टेबल पोस्चर है, बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है राइडर के लिए। अभी मैं पिलियन सीट पे भी बैठ के एक्सपीरियंस करूंगा कि कैसा कंफर्ट है पीछे। आगे तो लाइक बहुत ही अच्छा कंफर्ट है, बहुत प्यारा कंफर्ट। इट्स अ क्रूजिंग बाइक, स्पोर्ट्स एडवेंचर क्रूजिंग बाइक। नाइस, वेरी नाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए बाइक बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, ओनली बिकॉज इट्स अ वेरी टफ बाइक। बहुत ही ज्यादा टफ बाइक है ये। इसके रिव्यूज वगैरह बहुत सारे हैं और YouTube पे जो बहुत ही डिटेल रिव्यू होते हैं वो देखना आप लोग, ज्यादा मजा आएगा। मैं तो यार उतना डिटेल रिव्यू नहीं दूंगा, मैं तो बस इंजॉय करने के लिए आया हूँ दीपक भाई के साथ। दिस हैज 373 cc डिस्प्लेसमेंट, 80 तक पहुंच गए हैं एंड इट्स क्रूजिंग, लाइक सीरियसली क्रूजिंग एफर्टलेसली। बहुत स्मूथ बाइक है, सुपर स्मूथ बाइक। एक डेढ़ साल पहले जब मैंने सोचा था, कुछ एक छोटा सा प्लान किया था कि चलो एक बाइक अपग्रेड मारते हैं, एक नया बाइक लेते हैं, तो बजाज की ये डोमिनार भी मेरे लिस्ट में थी। बट आई डोंट नो व्हाई मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो बजाज की थी मे बी। बट आफ्टर राइडिंग इट नाउ वी आर ऑन 4000 rpm एंड वी आर क्रूजिंग ऑन लाइक 78-80 kmph। तो आप क्या चाहोगे यार एक 400 cc बाइक से। एक यहाँ पे छोटा सा कंसोल यहाँ पे भी दिया गया है जो कि आपको बताता है कि कौन से गियर पे आप चल रहे हो, द टाइमिंग एंड ऑल्सो ट्रिप हीटर वगैरह सब इधर दिया हुआ है। सो हियर इट इज, डोमिनार 400 फ्रॉम बजाज, द ऑटोमेकर्स दैट हैव मूव्ड इंडिया, गिवन द व्हील्स फॉर ऑलमोस्ट पास्ट मेनी डेकेड्स। थोड़ा आगे तक आए, ये पेट्रोल पंप पड़ा था तो दीपक भाई ने बोला कि पोल्यूशन भी इसका करा लेते हैं। इधर पीछे भाई साहब मिले अपने नए सब्सक्राइबर पोल्यूशन वाले भैया। हाँ जी भैया, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। मोनू जी हमारे नए सब्सक्राइबर बने, थैंक यू सो मच। यहाँ से अब मैं बाइक के पीछे बैठ जाऊंगा, फिर बताऊंगा आप लोगों को कि पिलियन राइडिंग का इसमें कितना कम्फर्ट है। भाई यहाँ तक आए लाइक जीरो वाइब्रेशन, ब्रो जीरो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुई। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया इसे चला के। तो वी आर बैक ऑन द रोड, मैं पीछे बैठा हूँ। इट इज कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल। भाई जिसकी बाइक होती है ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली चला रहा होता है, मैं तो थोड़ा कम कॉन्फिडेंटली चला रहा था। दीपक भाई को देखो कैसे 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 हो। यार अभी तो केस हो जाता। तो आप लोगों ने देखा ना बाइक में कितनी ज्यादा पावर है। दीपक भाई ने एक बार थ्रॉटल खींचा और मैं लाइक पीछे। नाइस बाइक यार, नाइस बाइक, आपके बजट में फिट हो रही है। ऑलमोस्ट 2.5 lakh की पड़ती है ऑन रोड, 2.5 lakhs। आई थिंक इट्स अ डिसेंट बाइक, आप इट्स अ गुड स्टार्ट अगर आप यू नो बाइक्स के उस अरीना में जाना चाहते हो, बाइक्स के शौकीन हो, तो आई कैन डेफिनेटली ये आपके बजट पे फिट होगी बाइक और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। अभी ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर मैं इसमें पीछे बैठा हूँ। क्वाइट कंफर्टेबल पोस्चर है बैठने के लिए। अब आई डोंट नो कि 100-200-300 किलोमीटर में ये कितना ज्यादा यू नो कंफर्ट देती होगी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लॉन्ग राइड्स चाहिए
तो भाई यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एयर सीट्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में कहीं पे भी। अभी हम लोग एक जगह रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ शॉट्स लेते हैं बाइक के, सिनेमेटिक शॉट्स, उसके बाद पहुंचते हैं एक ढाबे पे या कुछ ईटरी जो भी यहाँ पे दिखती है हाईवे पे, हम लोग को वहां जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। राजपूताना पंजाबी ढाबा, इधर ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत दिनों से बाहर कैसे कहीं ढाबे में बैठ के खाना खाया नहीं था, तो वो एंजॉय करेंगे। दादा चाय हो गई तो चाय तो पहले लगवा दीजिए। तो ये बस फिर यहाँ आए, ब्रेकफास्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप लोग को बाइक दिखाई, पूरा ब्लॉग देखा हो यहाँ तक तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और दीपक भाई की बाइक पसंद आई हो भाई, जाओ डोमिनर की टेस्ट ड्राइव आप लोग भी लो, समझो कैसी बाइक है, मेरे को तो बहुत पसंद आई। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम लोग को एंजॉय करने दो, मज़े करने दो। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, सी यू देन, लिव टुडे, लव टुमारो। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। दीपक भाई ने बोला आपको करना ही पड़ेगा। ओके बाय 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 बाय।